अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जियो शबीर एम्प्लॉयज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हुकूमत ने रज़ाकाराना रिटायरमेंट पर सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी शर्त आयद कर दी। इस हवाले से मरासला तमाम वफाकी वजारतों और डिवीजन्स को भिजवा दिया। तफसीलात के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना रिटायरमेंट पर 3 माह की पेशगी नोटिस की शर्त लागू कर दी। इस हवाले से वजारत खजाना ने तमाम वफाकी वजारतों और डिवीजन्स को मरासला भिजवा दिया है, जिसमें वफाकी हुकूमत ने मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना रिटायरमेंट से कबल 3 माह की नोटिस की मुद्दत पूरी करना लाजमी करार दिया है। वजारत खजाना ने पाकिस्तान के तमाम वफाकी वजारतों और डिवीज़न को भेजे गए एक सर्कुलर में मुलाजमीन को पाबंद किया कि वो रज़ाकाराना रिटायरमेंट से 3 माह कबल मुतल्लिका अथॉरिटी को मुतला करे। वजारत ने कहा कि 25 साल की सर्विस मुकम्मल करने के बाद रिटायर होने वाले मुलाजमीन रज़ाकाराना रिटायरमेंट के बाद पेंशन के अहल होंगे, ताहम रज़ाकाराना रिटायरमेंट का पेश की नोटिस न देने पर इंक्वायरी होगी। ये पेशरफ्त वजारत खजाना की जानिब से कहने के बाद सामने आई है कि चंद ऐसे मामलात सामने आए हैं जहां रिटायर होने वाले मुलाजमीन ने अपने इस्तीफे जमा कराए थे और मुतल्लिका हुकाम ने उन्हें कबूल कर लिया था, ताहम पेंशन के लिए 25 साल की अहलियत की खिदमत पेश नहीं की गई थी। गुज़श्ता माह रिपोर्ट्स में कहा गया था कि वफाकी हुकूमत IMF के मुतालबे पर मौजूदा रिवायती पेंशन सेटअप को तब्दील करने के लिए 1 जुलाई से रज़ाकाराना पेंशन इसकी मुतारफ करा रही है। नए भर्ती होने वाले तमाम सरकारी मुलाजमीन को 1 जुलाई से रज़ाकाराना पेंशन स्कीम से नवाजा जाएगा, जबकि पुराने सरकारी मुलाजमीन को सरकारी बजट से पेंशन दी जाएगी। हुकूमत मुलाजमीन को इनकी रजामंदी से नई पेंशन स्कीम में शामिल कर सकती है। उसके बाद सरबराह वफाकी सेक्रेटरी मुलाजमीन कवर कमेटी चीफ कोआर्डिनेटर आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के रहनुमा रहमान अली बाजवा का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने रज़ाकाराना तौर पर कबल इस वक्त रिटायरमेंट लेने वाले मुलाजमीन पर कम से कम 3 महीने की पाबंदी आयद कर दी है। इसका मकसद उन अकुलमंद मुलाजमीन का मुआसरा करना है जिन्होंने 1 जुलाई से होने वाले मुतवक मुलाजमीन असलाहत पेंशन असलाहत से पहले रिटायरमेंट लेने की प्लानिंग कर रखी थी। इस नोटिफिकेशन के तहत अब वो 3 महीने का नोटिस देकर रज़ाकाराना रिटायरमेंट लेने के पाबंद होंगे। यानी कि अगर एक मुलाजम अभी 16 अप्रैल 2024 को काबिल वक्त रज़ाकाराना तौर पर रिटायर होना चाहेगा तो अमली तौर पर उसकी रिटायरमेंट 16 जुलाई से पहले नहीं हो सकेगी। अब मुलाजमीन को अमली तौर पर बाहर निकलना पड़ेगा। बिसूरत दीगर मुतवक पेंशन असलाहत 1 जुलाई से नाफिज होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में सेक्रेटरी खजाना और वजीर खजाना IMF से मुजाकरात के लिए वाशिंगटन गए हुए हैं, जिनकी वापसी 24 अप्रैल को होगी और इसके बाद पेंशन के हवाले से पेशरफ्त पर कोई वाज़ेह सूरतहाल सामने आएगी। तमाम मुलाजमीन आने वाले बजट में पेंशन के हिफाजत के साथ साथ महंगाई के तनासब से तनख्वाहों में इजाफा, तनख्वाहों में तफरी के खात्मे, लीव इनकेशमेंट के बहाली के साथ साथ हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में इजाफे के लिए अमली तौर पर बाहर निकलेंगे तो मुलाजमीन और उनके बच्चों और अहले खाने का मुस्तकबिल जो पहले से तारीख है मजीद तारीख हो जाएगा। दीगर मुतालबात में सुबह की तर्ज पर वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन, तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकली और उसके साथ साथ बिलखसूस ग्रेड 1 से 17 के पिसे हुए मुलाजमीन की तनख्वाह में कम से कम 100% इजाफा और दीगर इज्तमाई मसाइल इंशाअल्लाह एजेंडे का हिस्सा होंगे। सो दोस्तों, मुलाजमीन का आवाज़ बने और अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपने खदशात आला अवानों तक पहुँचाने में मुलाजमीन का साथ दें। शुक्रिया। जहाँ भी रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अलह निगहबान।